विधानसभा स्तरीय आजादी गौरव पद यात्रा की शुरुआत प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने देवगढ़ से की। उन्होंने जगह जगह रुककर लोगों को कांग्रेस का संदेश दिया, साथ ही आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने को लेकर संदेश दिया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं अंबिकापुर के विधायक टीएस सिंहदेव ने विधानसभा स्तरीय आजादी गौरव पद यात्रा की शुरुआत देवगढ़ से आज की है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए टीएस सिंहदेव ने सबसे पहले उदयपुर विकासखंड के देवगढ़ स्थित गौरी शंकर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर विधानसभा स्तरीय पद यात्रा निकाली। इस यात्रा में सैकड़ों ग्रामीण के साथ स्वास्थ्य मंत्री पैदल अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार का संदेश देने निकले हैं। इस दौरान टीएस सिंहदेव ने बताया कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 9 तारीख से 15 तारीख तक प्रदेश के सभी विधानसभा में पद यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में 75 किलोमीटर पैदल चलकर कांग्रेस का संदेश जनता को दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 150 दिन की 3500 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली जाएगी, जो 15 राज्यों से होते हुए निकलेगी, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय किया कि 9 तारीख से 14 तारीख बल्कि 15 तारीख भी रखा है सभी विधानसभाओं में छत्तीसगढ़ में पदयात्रा निकलेगी और कांग्रेस का संदेश लेके हमारे साथी सभी विधानसभाओं में कम से कम 75 किलोमीटर की पदयात्रा इस दरमियान करेंगे। 7 तारीख से कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 150 दिन की करीब 3500 किलोमीटर की पदयात्रा 13 या 14 राज्यों से होती हुई निकलेगी, जिसमें राहुल जी पदयात्रा में पूरे समय रहेंगे और 100 पदयात्री ऐसे रहेंगे, कैटेगरी ए माना गया है, जो प्रारंभ से अंत तक यात्रा की पदयात्रा में शामिल रहेंगे। 100 और यात्री ऐसे रहेंगे जो उस राज्य के रहेंगे जिस राज्य से पदयात्रा निकल रही है, वो शामिल रहेंगे। और कैटेगरी सी, अन्य राज्यों में जहां पदयात्रा नहीं जा रही है वहां के सहभागी आएंगे और वो भी 100 की संख्या में प्रतिदिन पदयात्रा में पृथक पृथक शामिल होंगे। और इनके अतिरिक्त देशवासी जो पदयात्रा के साथ चलना चाहें वो उनकी स्वेच्छा पे है, लेकिन मुख्य रूप से भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 14 राज्यों से होती हुई 3500 किलोमीटर की ये यात्रा 7 सितंबर से प्रारंभ होगी।